दोनों भाई नीतीश जी और लालू जी बिहार विशेष राज और विशेष पैकेज को राजनीतिक पॉलिटिकल एजेंडा बना के क्यों रखा हुआ? इतना बड़ा ठग फरेबी, ये दोनों आदमी 16 साल 15 साल सत्ता में रह करके बिहार के लिए नासूर हो गए। घूमट की राजनीति क्यों करते हैं? पॉलिटिकल इवेंट्स क्यों करते हैं? विशेष राज और विशेष पैकेज, कभी लोकसभा के भीतर विशेष राज के सवाल पर और विशेष पैकेज के सवाल पर मंत्री रहते और नहीं मंत्री, कांग्रेस में भी ये रेल मंत्री थे, को एक बड़ा बयान लालू यादव जी सदन के भीतर बिहार के सवाल पर जनता के सामने वो डॉक्यूमेंट लाए, तब आज कुछ नहीं है तो ये बिहार की जनता के आंख में धूल क्यों झोंक रहे? मैं हर दिन सदन में बिहार बंटवारे का विरोध करता है, सब की कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन बिहार बंटवारे के सवाल पर हम सदन बंद नहीं करते। और लालू यादव जी ने कहा कि हम लास्ट पर बटेगा बिहार, बिहार बट किंग मेकर देवेगौड़ा गुजराल साहब को प्राइम मिनिस्टर इन्होंने बनाया, बिहार के लिए न तो विशेष राज ले पाया न तो विशेष पैकेज ले। मैं चैलेंज करता हूं लालू यादव जी को और नीतीश कुमार जी, दोनों आदमी जब आप अटल जी की सरकार में थे तो आप विशेष पैकेज क्यों नहीं लिए? जबकि मेरा नीतीश जी जब रेल मंत्री थे तो मेरा स्पीच है, नीतीश जी से मैंने कहा था कि आप अच्छे रेल मंत्री हैं, बिहार के लिए विशेष फैक्ट्री और बाढ़ के सवाल पर, पर्यटक के सवाल पर विशेष पैकेज आप डिमांड कर लीजिए, ले लीजिए। हम नीतीश जी के साथ पूरी मंत्रिमंडल अटल जी से मिले थे, बिहार के जो मंत्री थे एमपी, विशेष पैकेज और विशेष राज के, लेकिन नहीं मिला। तब तो नीतीश जी थे उस वक्त, और 16 सालों से दोनों सरकार केंद्र और बिहार नीतीश जी के साथ है। फिर ये दोनों भाई नीतीश जी और लालू जी बिहार विशेष राज और विशेष पैकेज को राजनीतिक पॉलिटिकल एजेंडा बना के क्यों रखा हुआ? वोट की राजनीति क्यों करते हैं? पॉलिटिकल इवेंट्स क्यों करते हैं? विशेष राज और विशेष पैकेज, यह लड़ाई तो सिर्फ पप्पू यादव ने लड़ी। हम मेरा चैलेंज स्वीकार करें दोनों आदमी, कभी लोकसभा के भीतर विशेष राज के सवाल पर और विशेष पैकेज के सवाल पर मंत्री रहते और नहीं मंत्री, कांग्रेस में भी ये रेल मंत्री थे, को एक बड़ा बयान लालू यादव जी सदन के भीतर बिहार के सवाल पर जनता के सामने वो डॉक्यूमेंट लाए। फिर जब आज कुछ नहीं है तो ये बिहार की जनता के आंख में धूल क्यों झोंक रहे? इतना बड़ा ठग फरेबी, ये दोनों आदमी 16 साल 15 साल सत्ता में रह करके बिहार के लिए नासूर हो गए। आज जो लगातार विशेष पैकेज, विशेष राज, नीति आयोग, गरीबी, नीति आयोग पहली बार बिहार को गरीब प्रदेश नहीं कहा है, नीति आयोग बिहार को लगातार दुनिया का सबसे निचले पोदान पर कहा है, हेल्थ में, एजुकेशन में, एजुकेशन सेक्टर में, फूड प्रोसेसिंग में, फैक्ट्री में, इकोनॉमी मानव सूचकांक में, पर व्यक्ति पर कैपिटा इनकम और पर्यटक में सबसे कम खर्चा पर्यटक में और फूड प्रोसेसिंग में
भारत में और दुनिया में कहीं हुई है तो वो बिहार है। 16 और 15 सालों में दुनिया का और भारत का सबसे कम खर्चा करने वाला पर्यटक में बिहार और फूड प्रोसेसिंग में बिहार, जिससे हम सबसे ज्यादा निर्माण करते हैं। दुनिया में यदि सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल ग्रोथ और रोजगार मिल रहा है बिहार को तो पर्यटक विभाग से। जितना पर्यटक भारत मेरे बिहार के पास है, बुद्ध नानक का कबीर, महावीर, विश्वामित्र, सीता, वाल्मीकि, वैशाली, राजा जनक, अयोध्या जब हो सकता है तो सीतामढ़ी का सीता क्यों नहीं? बगैर सीता के राम का क्या औचित्य, और बगैर राम के सीता के कहानी का क्या औचित्य? सीता को दुनिया में रेस्पेक्ट क्यों नहीं? ये लड़ाई, ये अभियान छेड़ेंगे हम। आज भट्ट, वीर कुमार सिंह, शेरशाह सूरी, मखदूम साहब, रेणु, विद्यापति कवि, दिनकर, मंडन मिश्र, चाणक्य, लोरी, सलहेश, सारी धरती से ज्यादा पर्यटन कहीं नहीं। केसरिया, गांधी, जुब्बा सैनी, चुहारमल, लेकिन पर्यटक विभाग नहीं, खर्चा नहीं, बाढ़ के रोकने पर खर्चा नहीं। 16 साल 15 सालों में इन्होंने बाढ़ से और ज्यादा क्षेत्रफल को इसने बर्बाद कर दिया दोनों मिलके। फिर ये डेली विशेष राज विशेष पैकेज से बिहार की जनता को धूल क्यों झोंक रहे हैं? यदि हिम्मत है तो डॉक्यूमेंट निकाले, और विशेष राज का विरोध सबसे पहला हमने बिहार बंद किया था, पूरा पूरा जब झारखंड और बिहार था हम पूरा रेल ठप कर दिए थे, लेकिन सत्ता के लिए, सियासत के लिए लोभी बन करके बिहार की जनता आज जो बेहाल है उसका सबसे बड़ा देन लालू यादव और बीजेपी और बाद में उसके गठबंधन नीतीश। इसलिए मैं पूरा किताब बनाने जा रहा हूं कि कब कब हमने विरोध किया और कब कब विशेष राज और विशेष पैकेज के लिए। दूसरा चीज, ये शेल्टर हाउस सीबीआई कहां खो गई? सीबीआई बड़ी मछली तक क्यों नहीं गई? सीबीआई शेल्टर हाउस की देवरिया से लेकर के मुजफ्फरपुर 32 शेल्टर हाउस की कहानी कहां गुम हो गई? आईएएस ने कहा कि एक एक मंत्री के पास एक एक विधायक मंत्री एमपी के पास लगभग 70-60% के पास शेल्टर हाउस की बेटियां पहुंचती थी, उसमें सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस। कल्याण विभाग की पूरी इंक्वायरी होने की जरूरत है। 30-40 सालों से जो कल्याण विभाग के पदाधिकारी और सेक्रेटरी हैं, उसकी संपत्ति की जरूरत है। सबसे ज्यादा भ्रष्ट कल्याण विभाग ने कमाया और बेटियों का इस्तेमाल किया, करवाया, क्योंकि शेल्टर हाउस में ना किसी के कोई मां है, ना पिता है, ना बच्चे हैं। हम मौन रहने वाले नहीं हैं। हम हाईकोर्ट से डिमांड करने जा रहे हैं कि जो सीबीआई इंक्वायरी कर रही है गाय खाट के मामले को भी उसके साथ अटैच करें, और हाईकोर्ट के जज के निगरानी में जैसे चारा घोटाला का निगरानी हुआ था, वैसे ही हाईकोर्ट की निगरानी में एक समय 6 महीना के अंदर शेल्टर हाउस में एक एक लोगों को उजागर करके चार्जशीट देकर के उसमें सजा करवाई। कौन कौन रसूखदार के परिवार, पूंजीपति का बेटा, आईएएस का, आईपीएस का बेटा, एमएलए एमपी का बेटा शेल्टर हाउस में 12 बजे रात के बाद जाता है, या बच्चियां कहां कहां जाती है? शेल्टर हाउस की जांच तब तक निष्पक्ष नहीं होगी जब तक हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश
वर्तमान किसी न्यायाधीश के अंडर में सेंट्रल हाउस की जांच नहीं होगी, क्योंकि कल्याण विभाग फिर उस बच्ची को वहां ले गया, टॉर्चर करके मार देगा, चीजें बदलवा देगी। कल्याण विभाग पूरा तरीके से उसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि पैसा कमाने का सबसे बड़ा जरिया। मालती गुप्ता के खिलाफ पहले भी पीएम को 20 चिट्ठी लिखी जा चुकी है, जब वो नवादा में थे, वंदना गुप्ता के खिलाफ। ये छोटी चीज नहीं है, इसलिए मैं पूरे सेल्टर हाउस के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहा हूं, और हाईकोर्ट जज के मॉनिटरिंग में यह मैं जा रहा हूं हाईकोर्ट कहने के लिए, पूरी ऑडिट करवाई जाए और संपत्ति की जांच हो, और सीसीटीवी पूरी कैमरा की कब बंद हुई, क्यों बंद हुई और किसने छेड़छाड़ किया, यह इंपॉर्टेंट। तीसरी और अंतिम चीज, बिहार में जिस भी शहर में गर्ल्स हॉस्टल है वह सरकार के अंडरटेकिंग में वो गर्ल्स हॉस्टल चलनी चाहिए, जहां सुरक्षा का मानक का, सीसीटीवी कैमरा का, और वहां पर कौन बेटी कौन बहन किस हॉस्टल में रहती है उसकी पूरी लेखा जोखा थाने के साथ सरकार के पास रहनी चाहिए। वह मेरी बेटी हो या किसी की बेटी, किसी की बहन, क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल जहां है वो सुरक्षित नहीं है, बहुत क्लियर है। क्योंकि हमारी बेटी का ना तो कोई मां यहां होती है, ना पिता, ना भाई, ना लोकल गार्जियन, फिर हम किसी प्राइवेट नर्स गर्ल्स हॉस्टल में बिना किसी के चारित्रिक सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, गर्ल्स हॉस्टल के मालिक का पूरा सर्टिफिकेट कि उसको गर्ल्स हॉस्टल खोलने की इजाजत किस मानक पर मिलनी चाहिए, क्योंकि वो बॉयज हॉस्टल नहीं है। गर्ल्स हॉस्टल के अगल बगल मेरा मांग है कि बॉयज हॉस्टल नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत। जब कॉलेज में और स्कूल में गर्ल्स हॉस्टल के अगल बगल बॉयज हॉस्टल नहीं होता है तो फिर शहर में क्यों? ये सिर्फ मेरा सवाल नहीं है, पूरे बिहार के हर घर की बेटियों का, जो पढ़ती है, जो बच्ची को पढ़ाना चाहती है, उसका सवाल है। इसलिए मैं गर्ल्स हॉस्टल का मानक तय करना चाहता हूं, उसमें गवर्नमेंट इस प्रक्रिया को फुलफिल करे। जो घटना दोनों बच्ची के साथ हुई है उसकी इंक्वायरी एसआईटी से, कल हम उस बच्ची से मिलने गए थे, पहले भी वो लड़का बाजार में इन दोनों बहनों को घूर चुकी है, देख चुकी है, और वो लड़का साइको नहीं था, ड्रग्स नहीं लेता था, वो टेलीफोन से पहले बात किया है और सोची समझी साजिश के तहत ये घटना घटी। एसपी साहब से मेरी बातचीत हुई है, पूरी जांच चल रही है, तीन बार हम बात कर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ पूछना तो? गया गायघाट सेंटर होम की बातें कही, वहां साफ तौर से जिला प्रशासन ने बिना जांच किए हुए इसे क्लीन चीट दे दिया था। सर पूरा हमाम में सब नंगे, हड्डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। इसीलिए मैं हाईकोर्ट के जज की निगरानी में और गायघाट की पूरी, हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा कि इसको सीबीआई के साथ अटैच किया। दूसरा सवाल सर, कि आपने सीता जन्मभूमि से आंदोलन की बातें कही है, उसे पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने की बात। सर सीता की ही नहीं, वाल्मीकि की भी, लोरी की भी, सरहेस की भी, मंडन मिश्र की भी, चाणक्य की भी, बुद्ध की भी, सर्किट नहीं हो पाए, नहीं कर पाए हम राजगीर को, नालंदा को, वैशाली को, केसरिया को। सीता के बारे में मैंने यह कहा, जब राम का अयोध्या हो सकता है तो सीता का अयोध्या सीतामढ़ी क्यों नहीं? जब राम को आप दिखा सकते हैं दुनिया में, उससे वोट ले सकते हैं, तो फिर सीता को क्यों छोड़ दिया गया? जबकि सीता एक अनाथ बच्ची थी, जनक ने अडॉप्ट किया था, और सीता की भूमिका राम से ज्यादा थी। फिर सीतामढ़ी की धरती को अयोध्या के तरह क्यों नहीं?